हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट एंड क्राफ्ट विथ रगुल। देखिए, मैं मेरा आज बैलकनी का छोटा सा मेरा बैलकनी में उसी में जो फ्लावर लगाई हूँ विंटर में, कितना कलरफुल लग रहा है वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो देखिए, ये मेरा रूम है, रूम के अंदर ही ये सारे मनी प्लांट और ये सब मैं लगाई हूँ। और भी है प्लांट्स इधर, मेरा चारों तरफ भी प्लांट से भरा हुआ है। तो ये कभी कभी मैं धूप में देती हूँ, तो जैसे ही मैं बैलकनी में एंट्री करती हूँ तो देखिए इधर मैं ऐसे लटकन मैं हाथों से बना के मैं क्रेन की मदद से मैं इसे लटका के रखी हूँ। और ये लेफ्ट साइड में मैं जितने भी है सारे ये भी मैं पेंटिंग की थी ऐसे ही, तो ऐसे करके मैं सजाई। इधर एक छोटा सा मेरा बाथरूम है और इधर मैं एक बेसिन लगाई हूँ। बेसिन में मेरा ही सारे काम का जो कम करती हूँ तो इधर ही धोने के लिए सब रखी हूँ। तो इस साइड में एक देखिए छिपकली प्लांट या क्रीपर इस टाइप का कुछ इसको बोलते हैं, तो ये ऐसे ही मेरा दीवार पकड़ के ऐसे ऊपर तक चला गया है, बहुत दूर तक, छोटा सा जगह पे लगाई थी। तो ऐसे लेफ्ट साइड से देखते हैं, ये जो बैम्बू का प्लांट मैं लेकर आई थी तो इसमें कलरफुल बना, लेकिन ये मेरे पास जितना भी छोटा छोटा सब था वो लगाई हूँ। और ये देखिए जो क्रिसमस कैक्टस होता है उससे देखिए फ्लावर आएगा, अभी दो चार दिन में फ्लावर खिल जाएगा इसमें। तो और ये देखिए ऐसे मैं ऐसे नारियल जो होता है कोकोनट का सेल में ऐसे मिरर चिपका के मैं बनाई थी सारे ये सब जो डीआई बनाई हूँ इसी को रखा हूँ। तो इसमें धूप गिरने से बहुत अच्छे से चमकता है चारों तरफ और पूरा एकदम रूम के अंदर तक ये भर जाता है। देखिए नीचे भी ऐसे ही होता है, मैं कभी कभी ऐसे ही हिला देती हूँ, नहीं तो वो हवा आता है तो ऐसे ही हिलता रहता है। और ये देखिए ये पिटूनिया, इसमें अभी तक खिला नहीं है फ्लावर, तो ये खिलेगा दो एक दिन में। तो ऐसे करके मैं बाहर जो ग्रिल के बाहर है आउटसाइड में उधर भी ग्रिल वाले को बोल के छोटा छोटा सा स्पेस बनाई हूँ, तो उधर भी मैं ऐसे लगाई हूँ। तो ये देखिए जो स्ट्रॉबेरी है एक तो पक गया और एक ऐसे करके सब सारे आया है अभी, तो छोटा छोटा करके बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज इस बार खिला है। तो पिछले बार भी लगाई थी तो इतना अच्छे से नहीं हुआ, तो इस बार देख रही हूँ कि हो रहा है, देखते हैं कितना होता है। तो मैं हर साल ही जो ये है लगाती हूँ। और ये देखिए ये जो फ्लावर है जिस दिन खिलता है एक कलर रहता है, एक एक दिन में कलर इसका चेंज होता रहता है। देखिए ये तीन चार दिन का फ्लावर है, तीन चार कलर का है, एक ही प्लांट में है लेकिन हर एक कलर का, तो ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है। और एडेनियम का भी दो चार है, ये देखिए बाहर पिंक कलर का जो एंथोरियम है ये है। और पिटूनिया का मैं बहुत सारे लगाती हूँ, हर साल लगाती हूँ 10-12 कलर जितना भी है नर्सरी में बोलते हैं, तो मैं सारे को लगाती हूँ। और ये जो प्लांटर है बहुत साल पहले लगाई थी, 2 साल पहले इसे लगाई थी तो अभी तक ठीक ही है। देखिए इधर भी एक खिला है, पिटूनिया का मैं हर एक कलर लगाई हूँ लेकिन ज़्यादातर वो पर्पल टाइप का ही कलर है ये अंतरम का, और एक जो है और एक पेंजी इसके साथ ही मैं लगा दी हूँ। तो देखिए ऐसे करके मेरा चारों तरफ लगा हुआ है, गेंदे का भी है और एडेनियम का भी है, कुछ कुछ समर में भी होता है। और ये जो है सदाबहार जो है ये भी 5 कलर का है और बाहर भी लगा हुआ है। ये जो कॉकटेल कुछ जो मुर्ग जो मुर्गी के जो ऊपर रहता है उस टाइप का है, तो सारे 3 कलर का लगाई थी तो तीनों कलर ही हुआ है इस पर। देखिए बाहर भी एक है ऑरेंज कलर का और इधर भी सब ऐसे ही फ्लावर है, किसी में फूल खिला है। देखिए बहुत सुंदर लगता है ऐसे, मैं कैमरा में कितना अच्छा से लग रहा है पता नहीं है, लेकिन मेरा जो घर में है तो एकदम मैं पूरा एकदम अच्छे से पूरा कलरफुल हो गया अभी बैलकनी। ये भी कोकोनट सिल्क के ऊपर में लगाई हुई पर्पल हट जो होता है, तो मैं छोटा छोटा जहाँ भी जगह है तो लगा दी हूँ। और ये जो ऊपर है इधर जो गार्डन से रिलेटेड सामान है वही सब रखी हूँ, कोकोपीट या कुछ डालने के लिए सब दवाई वगैरह सब उसी में रखा हुआ है, स्प्रे बॉटल। तब इधर भी मैं जहाँ भी छोटा छोटा जगह मिला है उधर प्लांट लगाने की कोशिश की हूँ। देखिए इधर मनी प्लांट है और ये जो सब मैं डेकोरेट की हूँ हरिकेन ये में भी कलर की, तो जब धूप आता है ना धूप के अंदर से जब देखते हैं तब। और ये जो मटका है जो चाय का उसको मैं ऐसे पेंट करके टांग दी हूँ, ऐसे करके मेरा लगा हुआ है। और देखिए इधर धूप में मैं इधर ही बैठती हूँ तो तकिया वकिया लेके ऐसे इधर ही बैठ के काम करती रहती हूँ। तो इधर थोड़ा सा ही मेरा बैलकनी है लेकिन इसको मैं एकदम ठंडी में तो पूरी तरह से यूज़ करती हूँ। और एक रूम में ऐसे खिड़की में ऐसे मैं देखिए मिर्च का पौधा लगाई हूँ, देखिए मिर्च बहुत सारे फूल आया है और कैप्सिकम का भी आया है। देखिए कैप्सिकम अभी इसमें 4-5 आया था, एक तो तोड़ ली हूँ और भी अभी भी 2-3 है इसमें।
और इधर भी कुछ कुछ फ्लावर का है और मिर्ची का है, कैप्सिकम है और जो करी पत्ता वगैरह सब इसी में है। इधर भी पिटूनिया है दो तीन। ऐसे करके सारे में लगाई हूँ। और एक विंडो पे भी मेरा प्लांट्स है, तो उसमें जितने भी सब गर्मियों वाला पौधा है सब उसमें इतना ज़्यादा धूप नहीं आता है, तो उसमें दे के रखी हूँ। जब ये विंटर का सीजन